सूजी का ये क्रिस्पी करारी नाश्ता जो एक बार आपने बना लिया तो बार बार इसे ही बना करके खाएंगे, क्योंकि इस रेसिपी को बनाना इतना आसान है और खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी लगता है कि आप बाज़ार में मिलने वाले समोसे कचौड़ी भी इसके सामने भूल जाएंगे। तो चलिए फटाफट से बना करके रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख ही रहे हैं दिखने में कितना ज़्यादा टेस्टी और यम लग रहा है। तो चलिए इस नाश्ते को बनाने के लिए हम लोग एक पैन में लेंगे 1 कप के करीब पानी, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और उसके बाद से इसमें डालेंगे थोड़ा सा नमक। अभी पानी में एक बॉईल आने देंगे, एक बॉईल आ जाए तब हम लोग इसमें डालेंगे 1 चम्मच के करीब तेल। तेल डालने के बाद से एक बार इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। पानी जब अच्छी तरीके से गर्म हो जाए तब हम लोग इसमें डाल देंगे 1/2 कप के करीब सूजी। सूजी को डालते जाएंगे और इसे लगातार मिक्स करते रहेंगे और बस थोड़ी देर में ही सूजी पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा और ये इस तरीके से कढ़ाई को या पैन को खुद ही छोड़ने लगेगा। और थोड़ी देर के बाद से आप देखेंगे कि ये एक डो के फॉर्म में आ गया है। ये देखिए, अभी हम लोग गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और थोड़ी देर के लिए इसे ढक करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तब तक के लिए एक नेक्स्ट प्रोसेस कर लेते हैं। अभी एक सिंपल सी स्टफिंग बना करके तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए यहाँ पे मैंने 2 मीडियम साइज के आलू को छोटे छोटे पीसेस में कट करके बॉईल कर लिया है। इससे बहुत इजीली बॉईल हो जाता है। अब इसे कांटे की चम्मच की हेल्प से इस तरीके से मैश कर लेंगे, या चाहे तो आप हाथों से भी मैश कर सकते हैं। ये लीजिए, यहाँ पे मैंने आलू को मैश कर दिया है। अभी इसमें डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आप चाहे तो लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हैं। उसके बाद से थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाल देंगे या फिर चाट मसाला। थोड़ा सा हम लोग इसमें जीरा पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा बारीक कटी हुई हरी मिर्च। और ये चीज़ें डालने के बाद से मैं इसे मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो इसमें अपने मन पसंदीदा और मसाले या और चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल ये स्टफिंग बना करके तैयार कर रही हूँ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूँगी और नमक डालने के बाद से यहाँ पे हमारा मिक्स करने के बाद से स्टफिंग बन करके तैयार है। बहुत सिंपल और टेस्टी है। उसके बाद से अब एक छोटा सा नेक्स्ट प्रोसेस कर लेंगे। अभी हम लोग लेंगे एक छोटा सा मिक्सिंग बॉल और उसमें 2 चम्मच के करीब मैदा डालेंगे, आप चाहें तो कॉर्नफ्लावर डाल सकते हैं। उसके बाद से थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे, थोड़ा सा मंगरेल डालेंगे जिसे हम लोग कलौंजी कहते हैं, काली वाली। उसके बाद से इसमें डाल देंगे थोड़ा सा सफ़ेद तिल। अगर आपको सफ़ेद तिल नहीं पसंद तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके बाद से हम लोग इसमें बिल्कुल चुटकी भर नमक डाल करके एक बार इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अभी इसमें बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका एक स्लरी बना करके पतला सा तैयार कर लेंगे। ये स्लरी हम लोग इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब हम लोग सूजी का नाश्ता बनाएंगे तो जब उसके ऊपर इसकी कोटिंग करेंगे ना, तो ये ज़्यादा नाश्ता तेल एब्जॉर्ब नहीं करेगी और नाश्ता क्रिस्पी भी रहेगी खाने में। तो अभी यहाँ पे स्लरी बन करके तैयार है, अभी इसे साइड में रखते हैं। और अभी हम लोग एक प्लेट में 1 चम्मच के करीब तेल चारों तरफ अच्छी तरीके से लगा देंगे और उसके बाद से जो सूजी का हम लोग ने डो बना करके रखा था ठंडा होने के लिए, वो इसमें डालेंगे और उसके बाद से हाथों से मसलते हुए हम लोग इसे मिक्स करेंगे और एक इसे आटे की तरह गूंथ करके तैयार कर लेंगे और इसे बिल्कुल चिकना कर लेंगे। ये देखिए, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा और इससे ना नाश्ता बनाते वक्त बीच से फटेगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैं बिल्कुल बढ़िया तरीके से इसका डो लगा करके तैयार कर ली हूँ। अभी इसमें से 2 मीडियम साइज के लोई को कट करेंगे और उसके बाद से उन दोनों को अच्छी तरीके से चिकना करेंगे। और चिकना करने के बाद से हम लोग स्लेट या चकले पे 1 चम्मच के करीब तेल लगाएंगे और उसके बाद से जो लोई हमने बना करके रखी थी वो इसके ऊपर रखेंगे और बेलन से हल्के हल्के हाथों से हम लोग इसे बेल करके तैयार करेंगे। तो इसे ना ज़्यादा हमें पतला बेलना है और ना ही ज़्यादा मोटा रखना है। तो इस तरीके से आप रोटी की तरह बेल लीजिए और उसके बाद से साइड से हम लोग इसे कट कर लेंगे। तो हमें इसके चारों साइड से कट करना है और इसे एक स्क्वायर शेप में इस तरीके से जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ वैसा बना करके तैयार कर लेना है। और जो एक्स्ट्रा आटा है उसे हम लोग दूसरे आटे में यूज़ कर लेंगे। इस तरीके से पहले एक स्क्वायर कट करने के बाद से हम लोग बीच में इस तरीके का प्लस साइन बनाएंगे, यानी कि हमें इसे 4 इक्वल साइज का स्क्वायर कट कर लेना है। ये देखिए, जैसा इसमें दिख रहा है बिल्कुल उस तरीके से हम लोग कट कर लेंगे। और कट करने के बाद से इसमें से एक हम लोग स्क्वायर को उठाएंगे और उसके बाद से हम लोग स्लेट या चकले पे रखते हुए बिल्कुल सेंटर में हम लोग स्टफिंग को इस तरीके से टेढ़ा में लगाएंगे। ये देखिए, बिल्कुल इस तरीके से। उसके बाद से हम लोग इसे इस तरीके से फोल्ड करेंगे जैसा मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ। और उसके बाद से इसके दोनों साइड से हम लोग इस तरीके से अंगूठे और उंगलियों से इसे
बंद कर देंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से ट्रायंगल शेप में नाश्ता बन करके बिल्कुल आसानी से तैयार हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस से हम लोग सारे स्क्वायर में बिल्कुल सेंटर में स्टफिंग भरेंगे और बिल्कुल जैसा वीडियो में दिखा रही हूँ वैसा हम लोग फोल्ड करके हम लोग उसे बंद कर देंगे। तो इस तरीके से सारा ट्रायंगल बना करके तैयार कर लेंगे। अभी चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की ओर। तो जो हमने स्लरी बना करके रखी हुई थी उसे एक बार मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद से जो हमारे यहाँ पे ढेर सारा ट्रायंगल बन करके तैयार है उसमें से एक उठाएंगे और बिल्कुल इसे स्लरी में डुबा देंगे और इसे बिल्कुल अच्छी तरीके से ट्रायंगल के ऊपर स्लरी का कवर कर देंगे। बहुत ही आसानी से हो जाएगा और उसके बाद से चम्मच से बिल्कुल आराम से निकालेंगे और गर्मा गर्म तेल में बस डालते जाएंगे। तो इसी तरीके से बस ट्रायंगल के ऊपर स्लरी का कवर लगाएंगे और गर्मा गर्म तेल में डालते जाएंगे और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे हम लोग इसे उलटते पलटते हुए दोनों साइड से अच्छी तरीके से फ्राई करेंगे जब तक के लिए ये सुनहरा और एकदम क्रिस्पी करारी ना हो जाए। तो ये देखिए एक साइड से अच्छी तरीके से फ्राई हो चुका है। अब दूसरी साइड को चेंज करेंगे और दोनों साइड से बिल्कुल इसी तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये लीजिए, यहाँ पे मैंने दोनों साइड से इसे बिल्कुल क्रिस्पी करारी छान ली है। उसका कलर टेक्स्चर बिल्कुल परफेक्ट है। अब बस इसे गर्मा गर्म तेल से निकालेंगे और सर्व करेंगे। और फ्रेंड्स, यकीन मानिए अगर आपने एक बार ये सूजी का नाश्ता बना करके अपने घर में या सबको खिला दिया ना, सभी आपसे बार बार यही बनवाएंगे और मार्केट की समोसे कचौड़ी सब भूल जाएंगे। बहुत ही क्रिस्पी करारी है, तो आप इंजॉय कीजिए। मिलते हो आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक ले बाय बाय।